अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को कहते हैं। कई स्थानों पर इसे आखा तीज या परशुराम तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री विष्णु भगवान अपने छठे अवतार परशुराम के रूप में धरती पर अवतरित हुए। इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। आइए जानते हैं कैसे हुआ परशुराम जी का जन्म। प्राचीन काल में कन्नौज में राजा गाधी राज्य करते थे। उनकी एक अत्यंत रूपवती पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र ऋषि के साथ करवा दिया। सत्यवती के विवाह के बाद वहां भृगु ऋषि ने आकर अपने पुत्र और पुत्रवधु को आशीर्वाद दिया और उसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने अपने ससुर को प्रसन्न देखकर अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने प्रसन्नता पूर्वक उसे दो फल दिए और कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करे और तुम पुत्र की कामना को लेकर गूलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए फलों का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। जब सत्यवती ने अपनी माँ को यह बात बताई तो माँ ने देखा कि ऋषि भृगु ने अपनी पुत्र वधु को उत्तम संतान होने का फल दिया है, तो उसने अपने फल को अपनी पुत्री के फल के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले फल का सेवन कर लिया और योग शक्ति से ऋषि भृगु को इस बात का ज्ञान हो गया और वह अपनी पुत्र वधु के पास आकर बोले कि हे पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल किया है। उसने श्रेष्ठ पुत्र के लालच में अंधे होकर तुम्हारे फल का सेवन कर लिया है और तुम्हें अपना फल दे दिया, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने ऋषि भृगु से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पोता क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ऋषि ने प्रसन्न होकर उसकी विनती को स्वीकार कर लिया। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि ऋषि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी ऋषि थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसन्नजीत की पुत्री रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए जिनके नाम थे रुकमवान, सुखेन, वसु, विश्वानस और परशुराम। इस प्रकार परशुराम धरती पर अवतरित हुए। तो दोस्तों, यह थी परशुराम जी के जन्म की कथा। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। इस दिन किए जाने वाले जप, हवन, स्नान आदि सभी अक्षय रहते हैं। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है और इस दिन पूर्वजों की आत्मा की प्रसन्नता के लिए कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजे जैसे फल और शक्कर आदि ब्राह्मणों को दान में दिए जाते हैं। इस दिन बद्रीनाथ धाम के पट भी खुलते हैं और यात्री वहां दर्शन करने के लिए आते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सभी भक्तजनों को अपने घर के पूजा स्थल में श्री बद्री नारायण जी की फोटो को साफ करके उसका पूजन करना चाहिए और मिश्री तथा चने की भीगी हुई दाल से भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु श्री बद्री नारायण जी प्रसन्न होते हैं और हम सभी को अक्षय फल प्रदान करते हैं। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री विष्णु भगवान।